भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में अपना माथा टेका। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मंदिर के सेवायतों ने महामहिम बेबी रानी मौर्य का शॉल उड़ाकर स्वागत किया और साथ ही सेवायतों ने महामहिम को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का प्रसाद भेंट किया। महामहिम बेबी रानी मौर्य बांके बिहारी मंदिर के तत्पश्चात वृंदावन के छिपी गली स्थित ठाकुर प्रिया वल्लभ मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने होली के रसिया का लुत्फ उठाया। ठाकुर प्रिया वल्लभ मंदिर के सेवायत आचार्य ललित नागाचार्य और वार्ड संख्या 65 के पार्षद आचार्य रसिक वल्लभ नागाचार्य ने महामहिम का बड़े ही जोर शोर के साथ स्वागत किया। वहीं इसके बाद आचार्य विष्णु मोहन नागाचार्य ने महामहिम को ठाकुर प्रिया वल्लभ का प्रसाद भेंट किया। आपको बता दें कि महामहिम बेबी रानी मौर्य ने फूलों की होली भी खेली। वहीं इस मौके पर श्रद्धालु होली के गीतों पर थिरकते हुए नजर आए। वहीं साथ ही इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चे भी एक दूसरे पर फूल की पंखुड़ियां डालते हुए दिखे। इस मौके पर वार्ड संख्या 65 के पार्षद के पुत्र के साथ महामहिम बेबी रानी मौर्य ने फूलों की होली भी खेली। वहीं उन्होंने इस मौके पर कहा कि ब्रज की होली तो सारे जग में प्रसिद्ध है, इस होली का लुत्फ उठाने के लिए हर कोई तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि एक बार ब्रज के होली के रंगों में जो भी भक्त रंग जाता है वह तो धन्य हो जाता है। जग प्रसिद्ध है, ठाकुर जी को कौन नहीं जानता, और उनके जो द्वार पे आ जाए, जो उनके रंग में रंग जाए, वो तो आनंद ही आनंद है। और मैं इस होली के अवसर पर अपने ब्रज के और ख़ासकर मथुरा वासियों को, वृंदावन वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि सबके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।